नमस्कार। सबसे पहले तो सावला जी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उनके मुखिया जो है डॉक्टर साहब गोवर्धन लाल जी, पराशर जी, उनके दोनों बेटे, उनके भाई, यहाँ के पूरा परिवार और यहाँ काम करने वाले हर छोटे से बड़े तक हर एक का मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसलिए ना कि मैं जो मरीज करके आया था और एक ठीक हुआ इंसान बन के मैं बम्बई जा रहा हूँ। जब आया तो मैं चल नहीं पा रहा था, कमर में बहुत तकलीफ थी, वजह मालूम नहीं, लेकिन मेरी बीबी बहुत साल बीमार थी, उनको बम्बई में पुणे में रखा गया था। मेरा जान आना होता रहा, कम से कम 22-23 बार एक महीने में मेरा अप डाउन कर रहा था, रास्ता बहुत ख़राब था, तो उसमें से बहुत तकलीफ हुई। आई एम रनिंग 82 ईयर्स, ऐसा तो परफेक्टली आई एम फिट, लेकिन ये कमर के दर्द से तकलीफ में आ गया। फिर बम्बई के एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, चौथे डॉक्टर, जितने हो सके उन सभी डॉक्टरों को सलाह लिया, दवाई ली, उन्होंने उनकी तरफ से दवाई दी, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ। यानी सहना तो मुश्किल की बड़ी बात थी। अभी जो आपके सामने मैं बैठा हूँ, ऐसा बैठ भी नहीं पा रहा था, पढ़ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, बहुत मुश्किल में 3-4 महीना जो मैंने गुजरे, 80 साल के मेरे उम्र में ऐसा खराब समय मैंने कभी नहीं देखा था। कुछ चीज़ें ऐसी घटती है कि नियति वो बनाती है। जैसे हमारे दोस्त है किशोर जी अग्रवाल साहब और अशोक मुंशी जी, वो बम्बई में आए और बोले चलना है जोधपुर। मतलब क्यों? बोले चलना है, घूमने को जाना है। तो घूमने को तो चलना नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। बोले आपको चलाने के लिए हम चल रहे हैं जोधपुर। वजह क्या है? नहीं, वहाँ बोले एक डॉक्टर है। मैं बोला चलो अगर आपकी इच्छा है तो मैं आता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ उसका परिणाम कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा 4 डॉक्टर हो चुके थे। फिर मैं उनका मन रखने के लिए जोधपुर आया, हवाई जहाज से उतरा, व्हील चेयर की अरेंजमेंट कर दी थी, हवाई जहाज से पूरा बाहर आने तक व्हील चेयर में बैठ के आया। फिर डॉक्टर गिरिराज के गाड़ी में उन्होंने बिठाया, वो खुद यहाँ लेके आए। फिर बड़े डॉक्टर साहब जो गोवर्धन लाल जी है उनके साथ मैं बैठा, बातें हुई, क्या हुआ बताया। फिर गिरिलाल जी ने मुझको अंदर बुलाया ट्रीटमेंट के रूम में, और कुछ जादू बोलो, चमत्कार बोलो, नसीब बोलो, नियति का करिश्मा बोलो, नाम देना है वो दे दो। जब मैं उनके चैम्बर में इलाज के लिए किसी का हाथ पकड़ के जा रहा था, 12 मिनट के ट्रीटमेंट के बाद मैं खुद चल के जैसे कि मैं ग्राउंड पे चल रहा हूँ, ऐसा मैं पहले दिन में वापस आया तो मैं यकीन नहीं कर रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैसा चल रहा हूँ, पीड़ा कहाँ गायब हो गई, ये जादू किसके हाथ के क्या है। तो कहने का नतीजा साफ है कि यहाँ के डॉक्टर साहब जो गोवर्धन लाल जी है, उन्होंने जिस ढंग का एस्टोपैथी का यहाँ एक प्रयोग चालू कर दिया है, हजारों गरीब लोगों के साथ उन्होंने अपनी पूरी सेवाएं रुजू की है। सबसे बड़ी बात है कि वो उनको मुकेश अंबानी जैसे आदमी जो धनी है, देश के आज के नंबर एक के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, इतना बड़ा कारोबार है, वो 5-स्टार होटल के जैसा एक बहुत बड़ा अस्पताल बना के दे रहे थे और उनको कह रहे थे आप जो चलो बम्बई में आकर चलाओ। उन्होंने नकार दिया कि भाई ये तुम्हारे हॉस्पिटल में गाड़ी वाला आएगा, बड़े गाड़ी वाला, BMW वाला आएगा, ऑडी वाला आएगा, आम आदमी कहाँ आएगा। तो मैं आम आदमी के लिए मेरी जो सेवाएँ देना चाहता हूँ, उनको दुरुस्त करना चाहता हूँ, वो मरीज़ को मैं ठीक हुआ उसके चेहरे का जो आनंद है वो मैं देखना चाहता हूँ, उत्पीड़न जो है वो जो आते हैं अंदर तो कोई चल नहीं पाता, कोई काठी हाथ में लेता है, लकड़ी हाथ में लेता है, कोई किसी का आधार लेता है, कोई भाई है, बहन है, माँ है, मौसी है, उनके हाथ पकड़ के आता है और जाते वक्त हंसते हुए जाता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट जिसको बोलते हैं मरीज का परिवर्तन, ये मुझको सबसे अहम बात लगी यहाँ। और कोई निराश होके नहीं जाता, आते हुए सभी निराश होके आते हैं, जाते वक्त सभी खुश होके जाते हैं,
ये एक असामान्य जिसको बोलते हैं एक राष्ट्रपति की बहुत अमूल्य सेवा डॉक्टर साहब दे रहे हैं। आप सभी लोग तो रामायण महाभारत तो जानते होंगे। ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अंगुली पे गोवर्धन पर्वत उठाए की बात कही गई है और उसके साथी जो थे उन्होंने अपनी लकड़ी लगाई थी गोवर्धन को, उनको लगा कि आपने लकड़ी के ऊपर गोवर्धन उठाया गया है, असल में उनके उंगली पर उठाया था भगवान श्री कृष्ण के उंगली के। वो खैर पुराण की बात इतिहास की बात छोड़ दो, लेकिन मैं जोधपुर में जो देखा कि दो अंगूठे पर हजारों गरीब आदमी की मरीज की पीड़ा उठाने वाले का नाम है गोवर्धन लाल, डॉक्टर गोवर्धन लाल जी पराशर। ये बहुत अहम बात मैं समझता हूँ आम आदमी के लिए काम करने की। उनके दिल में जो दिलचस्पी है, हमदर्दी है, लगन है, कमिटमेंट है, ये मामूली बात नहीं है। मैं पत्रकारिता में हूँ, मैंने एक अद्भुत चमत्कार जो देखा यहाँ, तो जो मैं लिखने वाला हूँ अभी जाने के बाद, कि दो अंगूठे पर हजारों मरीजों की पीड़ा उठाने वाले का नाम डॉक्टर गोवर्धन लाल पराशर जी है और उनको देश के पात्री पर लेवल पर सम्मानित करना बहुत आवश्यक है। वो सम्मान के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन समाज का ये फर्ज बनता है कि ऐसी सेवाभावी आदमी को आप दखल देंगे कि नहीं देंगे। उनकी सेवा और ग्रामीण देहात में और राज्यों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हर जगह। अभी उनके दो बेटे उनके साथ काम कर रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ बड़े डॉक्टर के दो बेटे, वो पढ़े लिखे बेटे, उनके खुद की प्रैक्टिस बना सकते हैं, लेकिन वो अपने पिताजी के साथ काम कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। मैंने जो कितने अनुभव किया है कि बड़े बड़े डॉक्टरों के बेटे अलग अलग डिस्पेंसरी हॉस्पिटल निकाल के अलग अलग रहते हैं, अलग शहर में रहते हैं, आयुष में रहते हैं, बड़े पैमाने पर उनका व्यवसाय जो है वो चला रहता है, लेकिन ये पूरी फैमिली एक साथ रहती है, वसुधैव कुटुंबकम। ये जो भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है उसके तौर पर वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसका कोई मिसाल नहीं है पूरे परिवार के लिए, और ना केवल गोवर्धन लाल जी को, उनके पूरे परिवार को मेरा शतशः नमन है। और मैं चाहता हूँ कि गोवर्धन जी को 100 साल की अच्छी तंदुरुस्त उम्र मिले, उनके हाथ से हजारों मरीज अच्छे हो जाएंगे। उन्होंने तो बड़े बड़े हस्तियों को अच्छा किया है, जैसे कि अब्दुल कलाम साहब है, प्रतिभा पाटिल है, एक्स प्रेसिडेंट है देश के, मोदी जी है, अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, लता मंगेशकर है, कितने नाम लूँ मैं, वो तो बड़े लोगों की बात हुई। उनका आनंद जो सबसे अहम आनंद समझता हूँ और उसमें उनको सबसे बड़ा आनंद है, उनकी रुचि उसमें है कि मैं गरीब आदमी के काम करूँ, इसलिए मेरा डॉक्टर साहब को शतशः नमन।